थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के क्लास में, हाँ जैसा 1 आवर का क्लास ओनली, इनऑर्गेनिक है ना, उसमें तो समझना तो है ना, ऐसे भी रटना ही है, और बहुत कॉन्सेप्ट रहता तब ऐसा नहीं करता, लेकिन पी ब्लॉक में तो कर सकते हैं। अगर क्लास मिस भी हो गया तो आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा पी ब्लॉक का, राइट। प्योर इनऑर्गेनिक का मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो कॉन्सेप्चुअल रहता है तो उसमें मैं ऐसा काम नहीं सोचता हूँ कि ज़्यादा लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें कि क्लास स्कूल के टाइम पे करूँगा, राइट। आइसोमेरिज्म एक कौन सा लेक्चर है स्टूडेंट, लेक्चर नंबर तो मुझे भी याद नहीं है, चलिए क्योंकि मैं ये हिसाब किताब लगाया ना पी ब्लॉक का स्टूडेंट कि अगर वीक में एक दिन लेंगे तो इस तरीके से तो कवर नहीं होगा, मैं कैलकुलेशन किया तो ऐसे अगर करने के लिए अगर एक हर वीक में 3 या क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, 1 आवर ज़्यादा नहीं 1 आवर का भी, तो बहुत स्मूथली और सब कुछ डिस्कशन कर लेंगे। अगर वीक में 1 क्लास ले रहे हैं तो कहाँ कवर हो पाएगा पूरा पी ब्लॉक सारा एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, कि अब केमलिन्स आज फाइनल इसको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट विदाउट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विदाउट कायरल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या था, इज इट द कंपलसरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, अगर कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में है मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ही होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, राइट, ये मैंने बोला था। बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट द कंपलसरी कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन इज द प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, इज इट राइट। दिस इज द रीजन कि हम लोग को एक केस यहां से बना, केस ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट कायरल सेंटर, और ये जो प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है सेकेंड टर्म के लिए, उसमें बहुत सारा ऐसा कंपाउंड मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें कायरल सेंटर नहीं होते हुए भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग पहले केस ऑफ केमलिन्स लेते हैं, और सबसे पहले आपका नॉलेज चेक करता हूँ। ए प्लेनार या नॉन प्लेनार, फर्स्ट नॉन प्लेनार है, राइट, एक एक लाइन याद रखना है, नहीं निरंजन, समथिंग लाइक दिस, यही इसका था, नहीं अब इसको यहाँ पे स्टूडेंट इतना बार इसको डिस्कस किया हूँ, अब यहाँ पे इसका रीजन नहीं दूंगा, आप लोग सब समझ पा रहे हैं ना कि रीजन क्या है।
ये प्लेनार या नॉन प्लेनार? प्लेनार है। करेक्ट है ना? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ केमलिन्स मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को, उस बेसिस पे देखिए तो रिकॉल करके। नहीं नहीं हो नहीं होगा बेदान। यस, यहाँ पे मैंने ये पढ़ाया था कि व्हाट एवर द सिचुएशन, ऐसे कंक्लूड किया था राइट। यहाँ से इसका डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम हो जाता है, तो चेंज भी करेंगे तो डिस्टेंस पर कोई फर्क L1 इक्वल टू L2 ही नज़र आएगा, मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इज इट राइट? यहाँ तक आइए, लिखते रहिए फर्स्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? सर यहाँ पे इवन इफ डिस्टेंस आर डिफरेंट करेक्ट, बट ग्रुप सेम हो गया है ना? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा, लास्ट में कंक्लूड करूंगा ठीक है। यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? तो सर इस केस में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं मतलब होगा ही, और हो अगर जहां पे होगा तो सारे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को एक सिंगल डबल बॉन्ड जैसा ट्रीट करने के लिए बोलते हैं, याद है आप लोगों को? स्टूडेंट आपके बैच को बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिएगा रिजल्ट में। आपके बैच से एक होप बन रहा है वापस मुझे कम बैक करने का, मेरे लिए एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। खुद के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, बट आई पर्सनली एज ए टीचर रिक्वेस्ट यू, बिकॉज मेरा करियर भी आप लोग पे ही डिपेंड करता है ठीक है। बहुत मेहनत कीजिए, अगर आप जेई मेन का रिजल्ट अच्छा से ला के दिखाएंगे तो एडवांस के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा फिर आपको, या आप मेडिकल के लिए। L1 नॉट इक्वल टू L2।
इसका मतलब इसके अबाउट होगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल से व्हाट द कंक्लूजन, और ज्योमेट्रिकल के लिए कंक्लूजन दे रहा हूँ तो सर कंक्लूजन इज दैट कंक्लूजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म फॉर व्हाट किमलिन्स, किमलिन्स बोलने का मतलब नॉट प्योर किमलिन्स मिक्स कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, करेक्ट ना, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। तो पहला कंक्लूजन तो ये रहेगा, इफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर इवन देन नो ज्योमेट्रिक आइसोमिज्म व्हाट एवर द सिचुएशन, राइट। व्हाट एवर द सिचुएशन का मतलब क्या कि लास्ट डबल बॉन्डेड कार्बन का लास्ट कार्बन पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्डेड कार्बन के लास्ट कार्बन पे ग्रुप दोनों ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो फिर भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, राइट। बट इफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स आर ऑड देन लास्ट कार्बन ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली वन बाय वन, करेक्ट। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म होगा, करेक्ट, पॉसिबल, दिस इज अ कंक्लूजन। यहां तक आइए, हो गया ना एवरीवन स्टूडेंट। एक आध दिन अभी और रेस्ट करूंगा, माइंड मत लीजिएगा कि मैं कल से लिया हूँ सेकंड डोज, पता नहीं मेरे बॉडी का इतना रिएक्ट क्यों होता है कल से ही, लेकिन मैं क्लास रेगुलर क्लास को हैम्पर नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आज का क्लास भी शायद नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। 4 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ और बहुत हेक्टिक कर देंगे तो शायद थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है बॉडी। हाँ मतलब वो नहीं मतलब थोड़ा एक तो पता नहीं एक लेजीनेस टाइप का मतलब सुस्त हो गए हैं कल से। नहीं इस बार तो इतना अच्छा हुआ कि पिछले बार मैं लेते ही 10 बजे रात के बाद इतना ना बॉडी पेन हुआ एक हुआ और प्लस इतना ना मतलब मैं अगला दिन तक मतलब कुछ मेरे मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या है एकदम इतना फीवर, हाई फीवर, इतना ठंडा, इतना बॉडी पेन, इस बार उतना हुआ ही नहीं कुछ, लेकिन इस बार पता नहीं एक लेजीनेस टाइप का लग रहा है कल से, एकदम सुस्त हो गए हैं। तो आप सोच रहे हैं कि अगर अचानक से सुबह भी क्लास था फिर शाम में भी दो क्लास, अभी 4 बजे से क्लास ही ले रहा हूँ और एक ही दिन में अगर पूरा क्लास लेते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो एक दो दिन का उसको मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है। ठीक
ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। चलिए ये है ब्रेड, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि एक ब्रेड को दो ब्रेड बनाना है विदाउट चेंजिंग लेंथ एंड विड्थ, हाउ कैन मेक इट। मतलब आपको सैंडविच बनाना है, एक ही ब्रेड को दो ब्रेड बनाना है, कैसे बनाइएगा? सर नहीं, एक ब्रेड को दो ब्रेड बनाना है विदाउट चेंजिंग विड्थ लेंथ एंड विड्थ, राइट। तो सर बीच से काटेंगे, वेरी गुड, बीच से काटेंगे, बिल्कुल, मतलब यहां पे काटेंगे, नहीं, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। और ऐसे करके तो मतलब मैंने बोला कि इसको चेंज नहीं करना है और इसको चेंज नहीं करना है, तो ऐसे बीच से बना लेंगे। तो ये समझाने का मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे कहने का ये है स्टूडेंट कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, किसी भी मॉलिक्यूल का सारे ग्रुप अगर सेम प्लेन में आता है, सेम प्लेन में अगर आ जाता है, तो वही प्लेन उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाता है, करेक्ट। इफ ऑल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ब्रह्मास्त्र मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो सेकेंड टर्म में नवंबर के बाद पढ़ाऊंगा, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समटाइम्स ऐसा रहेगा, यहाँ देखिए कि ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, एंड ऑल ए बी सी डी आर डिफरेंट, ओके, ऑल ए बी सी डी आर डिफरेंट, और मैं बोलूँगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है DSP2। अभी तो DSP2 मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, बट DSP2 का ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनार, क्या होता है एवरीवन, स्क्वायर प्लेनार। और इसमें मैं आपसे बोलूँगा, क्या बताइए, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपको तो याद क्या आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब तो आपको याद आएगा कि सर ने पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट करना है, तो आप मॉलिक्यूल को चाहकर भी दो इक्वल पार्ट में कट कर पाएंगे? देखिए तो इसके अबाउट इधर ए है इधर बी है, हो नहीं पाएगा, बिकॉज ऑल ए बी सी डी आर डिफरेंट, आपसे हो पाता नहीं, हो पाएगा, करेक्ट। लेकिन अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम से, यहाँ पे सेंट्रल एटम से अगर डायरेक्टली चार ग्रुप अटैच भी है ए बी सी डी, और वो अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो यही व्हाइट बोर्ड उसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा, समथिंग थिंक लाइक दिस। इससे पहले मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, इसको ऐसे सोचना है कि इफ ऑल ग्रुप अटैच विथ ए गिवन मेटल या गिवन सेंट्रल एटम, और अगर ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन, तो दैट प्लेन बिकम्स द प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको ब्रेड के ऐसा सोच लीजिए कि एक ब्रेड को दो ब्रेड में बनाना है, कट करना है, तो इक्वली कट हो जाएगा, राइट। तो ये मैं आपको ट्रिक दिया रटने का, मेन कॉन्सेप्ट था कि किसी भी मॉलिक्यूल का सारा ग्रुप अगर सेम प्लेन में आ जाता है, तो वही प्लेन उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, ओके, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, करेक्ट। तो इसको साइड में कहीं पर लिख लीजिए कि इफ ऑल ग्रुप लाई इन द सेम प्लेन, देन दैट प्लेन बिकम्स द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। अब यहाँ देखिए ऑप्टिकल के लिए,
देखिए स्टूडेंट, मैंने सारा सिचुएशन कर दिया, ए नॉट इक्वल टू बी एंड एम नॉट इक्वल टू एन, इज इट राइट? मतलब ज्योमेट्रिकल होने का परफेक्ट सिचुएशन, करेक्ट है ना? और हम लोग का केस था केस ऑफ क्यूमुलिंस, मतलब इस केस ऑफ क्यूमुलिंस का मतलब क्या समझे? मतलब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के अराउंड हम लोग को देखना था प्लेन ऑफ सिमेट्री उस केस के लिए। इसका मतलब है कि विदाउट कायरल सेंटर, आपको जानना यह ज़्यादा ज़रूरी है कि विदाउट कायरल सेंटर एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो विदाउट कायरल सेंटर हम लोग को सिलेबस में मैक्सिमम जो पूछा जा सकता है वो केस ऑफ क्यूमुलिंस है और केस ऑफ बाईफिनाइल है। बाईफिनाइल का मतलब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ा हुआ, करेक्ट? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके? तो इसका मतलब है कि हम लोग को देखना था अबाउट कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। तो अबाउट कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड में मैंने पहले ले लिया क्या, ऑड। तो यहाँ पे ऑड लिया और मैंने जानबूझकर ए नॉट इक्वल टू बी और एम नॉट इक्वल टू एन किया हूँ, करेक्ट ना? तो सर दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री। इसमें तो ज्योमेट्रिकल होगा, बट भाई क्या इसमें ऑप्टिकल होगा जो अभी मैंने सिखाया उसके बेसिस पे? अभी मैंने क्या सिखाया, अभी मैंने सिखाया, यहाँ देखिएगा, ये तो पता है ना कि यहाँ पे ए बी और एम एन सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, आया ना? ऑल आर इन द सेम प्लेन, करेक्ट एवरीवन? मुझे इससे डायरेक्टली जो अटैच है उससे मतलब है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एम के अंदर क्या है उसे नहीं है। ऐसा नहीं कि सर CH3, मुझे मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को कोपलेटी से मतलब नहीं है। इससे जो डायरेक्टली जो अटैच है, इससे अगर डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसके लिए मुझे सोचना है, करेक्ट है ना? यस। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऑल आर इन द सेम प्लेन, ऑल आर इन द सेम प्लेन मतलब इससे एक ग्रुप का। तो अगर ऑल आर इन द सेम प्लेन तो यही प्लेन मेरा क्या बन जाएगा, दिस प्लेन, कौन सा, व्हाइट बोर्ड, दिस प्लेन बिकम्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? बिकम्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं इस केस के लिए अगर बोल दिया कि ए नॉट बी इक्वल टू बी या ए इक्वल टू बी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन, अगर डेप्थ में सोचिएगा तो सर यहाँ से बहुत अच्छा बात हो गया। अगर नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर ऑड रहेगा तो ऑप्टिकल तो होगा ही नहीं, ऑप्टिकल होगा, नो ऑप्टिकल, राइट? ज्योमेट्रिकल होगा, ज्योमेट्रिकल होगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल के लिए ए नॉट इक्वल टू बी और एम नॉट इक्वल टू एन होना पड़ेगा, करेक्ट? लास्ट कंक्लूजन में दूंगा, बट यहाँ पे ऑप्टिकल नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे एक लाइन कंक्लूड, बाद में कंक्लूड कर लें? इसका मतलब मैं इस केस के लिए ही बात कर रहा हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी और एम नॉट इक्वल टू एन, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, यहाँ तक आइए फर्स्ट। इसको हटाएं एवरीवन, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, तो भाई यहां पे अगर इवन रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा, एंड ए बी और एम एन ए है, सिचुएशन ऐसा है, तो यहां पे कौन कौन सा सेम प्लेन में रहेगा? सर ए तो सेम प्लेन में रहेगा, करेक्ट? अगर हम लोग यहां पे देख रहे थे ए सेम प्लेन में होगा, और अगर एम इक्वल टू, इफ एम इक्वल टू एन कर दें, इफ एम इक्वल टू एन, आप बोले था कि ए प्लेन एम और एन के बिल्कुल बीच से पास करेगा एक ऐसे, तो अगर एम इक्वल टू एन हो जाए, इन सब के लिए तो टेंशन है ही नहीं, जितना भी एटम और ग्रुप सेम प्लेन में रहेगा वही प्लेन उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया, तो ये सब तो सिमेट्री हो गया, राइट?
वहाँ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एम इक्वल टू एन रहेगा तो नहीं था इस प्लेन के अबाउट ये इसका एम का मिरर इमेज एन हो जाएगा अगर इक्वल रहेगा तो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ पे इवन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर इवन रहेगा तो कंक्लूजन इज दैट कि ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं, ज्योमेट्रिकल के लिए तो डिस्टेंस देखते थे, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल था, व्हाट वर द सिचुएशन, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा लेकिन ऑप्टिकल हो सकता है अगर एम नॉट इक्वल टू एन कर दें। इफ एम नॉट इक्वल टू एन और ए नॉट इक्वल टू बी, तो अगर आप प्लेन इमेजिन करेंगे तो इसका अगर जो भी प्लेन बनेगा क्या उस प्लेन का उस प्लेन या इस केस में मॉलिक्यूल को चाहकर भी आप दो इक्वल पार्ट में कट कर पाएंगे, नहीं कट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एम रहेगा यहाँ पे एन रहेगा तो इक्वल नज़र आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड इवन रहेगा तो उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा लेकिन ऑप्टिकल पॉसिबल है, बट ऑप्टिकल पॉसिबल होने के लिए विदाउट कायरल सेंटर प्लेन ऑफ डिसिमेट्री मिल होना पड़ेगा। अब प्लेन ऑफ डिसिमेट्री होने के लिए इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि प्लेन ऑफ डिसिमेट्री वो उस केस में दिखता है जहाँ पे लास्ट कार्बन ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड में जो ग्रुप दोनों रहेगा वो इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए, समझे। तो लिखिए तो एक लाइन, कंक्लूजन, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आर इवन, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आर इवन देन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, देन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल ओनली व्हेन, देन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल ओनली व्हेन लास्ट कार्बन ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, ओनली व्हेन लास्ट कार्बन ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हैविंग टू ग्रुप डिफरेंट इंडिविजुअली, हैविंग टू ग्रुप डिफरेंट इंडिविजुअली। Having two group different individually. चलिए देखिए तो इसमें ऑप्टिकल होगा सर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा था कंडीशन को बट ये नहीं कर रहा था इसलिए नहीं होगा, राइट। इसमें होगा, इसमें होगा, यहां भी बिल्कुल होगा, राइट। चलो तो मेरे तरफ से क्यूमुलिंस का लास्ट कॉल कंक्लूजन फॉर आइसोमरिज्म, ओके इसको हटाएं।
यहाँ देखिए, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल If number of continuous double bond is even, then geometrical तो होगा ही नहीं, optical possible है. Then optical possible होने के लिए a not equal to b and m not equal to n एक condition होना चाहिए. दोनों में से दोनों पे individually satisfy करना पड़ेगा, ठीक है ना. This is the conclusion. Correct है everyone? तो सर व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिकल? तो ज्योमेट्रिकल के लिए a नॉट इक्वल टू b हो या m नॉट इक्वल टू n कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब किसी केस में होगा ही नहीं, डिस्टेंस सेम हो जाएगा. इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इज ऑड, स्टूडेंट अगर बाहर निकलते भी हैं तो अभी भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को पिछले 5 दिन पहले बहुत पैनिक तरीके से झेल चुका हूँ अपनी फैमिली के अंदर. हालांकि मतलब वो घर से बाहर निकलते ही नहीं भाई, पिछले 6 महीना से नहीं निकले हैं. अब तो घर से अगर कोई बाहर नहीं निकलता है फिर भी हो सकता है, राइट? तो कोविड का मैं बात कर रहा हूँ. और सिचुएशन पहला बार मैंने फेस किया, देखा कितना पैनिक हो जाता है. बहुत नॉर्मल था और उसमें पैनिक और भी ज़्यादा हो जाता है जब आपके पास इनकम कम है. मतलब तो पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अब मैं 1-2 मिनट आपका टाइम लूँगा. बट कॉन्फिडेंस क्या आता है एक टीचर को. तो प्राइवेट में अगर चले जाइएगा ना, तो उतना ना प्रोटोकॉल बताकर आपको कम से कम 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपया का, मतलब 5-6 दिन का अंदर का वो बिल बता देंगे, दिखा देंगे. पैसा मैटर नहीं करता है. मैं नहीं बोला कि हाँ पैसा किसी का लाइफ से बड़ा है, मैंने ये नहीं बोला. बट उस टाइम पे वो इतना ना चीज़ों को डरा देंगे कि आपको दिमाग ही काम करना बंद कर जाएगा, राइट? आप कितना भी इंटेलेक्चुअल हैं, करेक्ट ना. मैं 5-6 दिन पहले आप ही का क्लास लेकर निकला था, तो मेरे ही फैमिली मेम्बर में मेरी भाभी का थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया. थोड़ा बहुत फीवर था तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम देखा कि ब्रीद सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है. और उसमें हम लोग का आप में से ही किसी के पेरेंट्स को हम लोग कॉन्टेक्ट भी किए, और आई एम वेरी मच थैंकफुल कि वो मुझे सही उस टाइम पे क्या होता है ना, कोई डायरेक्शन दे दे कि आप ऐसा कीजिए, राइट? ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि मतलब इतना गुवाहाटी में हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग है, बट फिर भी पता नहीं चलता कि जाना कहाँ है. दिमाग ब्लैंक कर जाता है, यकीन मानिए. अचानक से लगता है जाए कहाँ, करेक्ट? तो उस टाइम पे गए तो एक हॉस्पिटल नेम केयर, वहाँ पे गए तो वहाँ पे अब भाई आज के डेट में अगर आपको कुछ मौसमी फीवर भी हो जाएगा ना तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. और उसमें हम लोग के टाइम पे सर्दी फीवर तो मुझे साल में 4 बार होता था. थैंक गॉड कि पिछले 2 साल से हुआ नहीं है इस बात की, मतलब होता भी है तो बहुत रिग्रेस नहीं होता है. बट ठंडा गर्म हो जाएगा, पानी पी लीजिएगा तो हो जाएगा. फ्रिज का पानी पी लीजिए ना और एसी में रह जाइए, हो गया सर्दी फीवर. वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. तो वहाँ पे गए तो इमरजेंसी में डायरेक्शन मिल गया कि कहाँ कहाँ जाना है, बट इमरजेंसी में गए थे. 2014 का पढ़ाया हुआ मेरा स्टूडेंट ड्यूटी में था, PUC, मेरे बहुत उनके फादर से बहुत क्लोज रिलेशन भी है. इमरजेंसी में उन्हीं का ड्यूटी था.
अब मैं वहाँ जाने के बाद पता नहीं चलता ना जी एम सी में कहाँ जाना है, अगर आप अचानक से जा रहे हैं तो वहाँ पर इतना घूम जाइएगा कि पता नहीं चलेगा। तो वो देखिए आप, वो स्टूडेंट अगर मेरा सामने मिल गया, वो वही ड्यूटी में है, तो कॉन्फिडेंस तो यहाँ से यहाँ हो गया राइट, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहाँ कहाँ कैसे करना है। मतलब उस टाइम पे तो आपको सब कुछ मिल गया ना कि हाँ आप तो क्या, मुझे क्या करना है भाई, मेरे स्टूडेंट देखेंगे बता देंगे सर यहाँ चले जाइए, हम लोग जा सकते हैं लेकिन डायरेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ जाना है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, टीचर का क्या क्रिएटिविटी है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और वहाँ पे उनका ड्यूटी इमरजेंसी में, अगर आप जीएमसी चले गए तो लगे कि दुनिया में सब लोग बीमार है। गुवाहाटी जीएम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए तो आपको लगेगा कि सच में दुनिया में सब लोग बीमार है, क्योंकि आप वही देखिएगा, जैसा देखिएगा वैसा सोचिएगा राइट। और 5 दिन रह गए तो आप भी बीमार हो गए, क्योंकि माइंडसेट वैसा हो जाता है। और उसमें डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन, मतलब लगता है कि समुद्र है उसमें तिनका का सहारा मिल गया। इसे बहुत बढ़िया से पढ़िए भाई, आप लोग पे जैसे टीचर का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर का भी कंट्रीब्यूशन, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको आसान मत मानिए। टीचर पूरे समाज के लिए काम करता है राइट, सोशल सोसाइटी के लिए पढ़ाता है, पैसा तो लेता ही है, वो तो लेना ही चाहिए गुरुदक्षिणा, बट किसी भी समाज को अगर ख़राब करना है तो वहाँ से एजुकेशन को गायब कर दीजिए, समाज खराब हो जाएगा, सोसाइटी ख़राब हो जाएगा। किसी भी सोसाइटी को अगर डाउन करना है, किसी कंट्री को पीछे भेजना है, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को कलेप्स कर दीजिए, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, माइंड ही ख़त्म हो गया। तो इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड इज ऑड, तो इस केस में यहाँ देखिए, तो ऑड का एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस केस में क्या ऑप्टिकल होगा सर? यहां पे तो कंक्लूजन रहेगा नो ऑप्टिकल आइसोमिज्म राइट, बट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म इज पॉसिबल ओनली इफ ए नॉट इक्वल टू बी एंड एम नॉट इक्वल टू एन। तो देखिए, क्या मैंने एक साथ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को एक जगह रख दिया? इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, दिस द फाइनल एंड लास्ट कंक्लूजन फॉर क्यूमुलेंस। अब देखिए, क्यूमुलिन टाइप मॉलिक्यूल, ऐसा भी आपको एग्जाम में आ सकता है, क्यूमुलिन टाइप्स मॉलिक्यूल, इसको हटाएं। क्यूमुलिन टाइप्स मॉलिक्यूल, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यह स्पेशली फॉर 6 मेंबर रिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली फॉर व्हाट? 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग रहेगा और बीच में इस कार्बन पे, इस कार्बन पे जहां पे डबल बॉन्ड है, तो आपको यहां जो डबल बॉन्ड है इसमें एक बाहर का कार्बन है, एक रिंग का कार्बन ही है राइट। तो यहाँ इस, यहाँ से इसके जस्ट अपोजिट के बीच में जो 2 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन को छोड़कर अगर और कोई ग्रुप नहीं रहेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिकल या इवन ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी के लिए आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसा इमेजिन कीजिएगा, जस्ट लाइक दिस। इस तरफ के सेक्शन को एक बॉन्ड मान लेना है और इस तरफ के सेक्शन को एक बॉन्ड मान लेना है ठीक है, बट इस तरफ के सेक्शन को वन ऑफ द बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इन सब कार्बन को भूल जाना है कि यहाँ पे एक कार्बन है, बट इस तरफ के सेक्शन को वन ऑफ द बॉन्ड और इस तरफ के सेक्शन को वन ऑफ द बॉन्ड तभी मानेंगे जब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन को छोड़कर कोई ग्रुप नहीं रहेगा। एक मैं शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि पूरा कंपाउंड ही हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे 7 कार्बन है तो 3 कार्बन कैसे रहेगा, बट सोचने का एक तरीका। इसको जस्ट लाइक कैसे सोचना है, CH2 मतलब दिस वन,
फिर सी मतलब दिस वन, सी मतलब दिस वन, और इधर का बॉन्ड, इधर का भी बॉन्ड, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आज का क्लास में अगर ये नहीं पढ़ाते तब आपसे पूछा था कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा, तो आपको काइरल सेंटर मिलता ही नहीं। क्या काइरल सेंटर दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है, काइरल सेंटर नहीं मिलता। तब आपसे पूछा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। अब आप इस बात को आंसर दे सकते हैं, इसको जस्ट लाइक ऐसे ट्रीट कर लीजिएगा सी एल एच, राइट, उसके बाद इस कार्बन को C और फिर इस कार्बन को C और यहाँ पे CH3H। और क्यूमलिन्स का जब वेन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स आर इवन, तो क्या उस कैटेगरी पे सेट हो गया? और नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आर इवन, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का क्राइटेरिया क्या था? लास्ट डबल बॉन्ड पे टू ग्रुप रहना चाहिए, दोनों दोनों कार्बन पे इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। और अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, समझे स्टूडेंट? चलिए यहाँ तक आइए। हो गया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहना चाहिए कि सर विदाउट काइरल सेंटर, अगर ये समझ गया क्यूमुलिन्स टाइप पे कैसे करना है, क्यूमुलिन्स टाइप पे अगर यहाँ पे सम अगर कोई ग्रुप नहीं रहेगा तब क्यूमुलिन्स टाइप बनाना है, कोई ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे फिर क्यूमुलिन्स टाइप वो नहीं हो पाएगा, करेक्ट। इफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल विदाउट If optical isomerism is possible without chiral center, then total optical isomer equal to 2। और अगर किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रहा है और उसमें दोनों दो ही ऑप्टिकल आइसोमर है तो दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, समझे एवरीवन? दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा। इन कैसा मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज, मतलब दोनों एक दूसरे का इनन्सियोमेरिक पेयर रहेगा, करेक्ट। तो इफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल विदाउट काइरल सेंटर देन टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 एंड बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, लिख लीजिए। मिरर कहीं भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इसके नीचे रख दिया तो जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है वो यहाँ पे ऊपर देखेगा या वो नीचे हो जाएगा, जरा बताइए। तो भाई ऐसे मार्कर के नीचे मिरर रख दीजिए, राइट, सिंपल सा लॉजिक है। मार्कर के नीचे ऐसे यहाँ पे मिरर रखे, प्लेन मिरर, मार्कर मिरर में भी मार्कर क्या नीचे ही नजर आएगा या ऐसे नजर आएगा?
तो ए क्या है ऊपर में राइट, तो ए क्या हो जाएगा नीचे, अरे नीचे है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, और नहीं राइट वाइट में भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहां पे भी रख सकते हैं, पर देखिए रिप्रेजेंट CH3। हाँ बोलिए बोलिए। इसके लिए बात कर रहे हैं आप, ये जो है वो व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में ऊपर में है राइट, उसका मिरर इमेज लेंगे तो अब ये व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में नीचे में, नीचे में नजर आएगा समझे, इसके नीचे मैंने मिरर बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा, यहाँ पे मार्कर रखे हुए हैं करेक्ट, और यहाँ पे मिरर रखिए, अभी मार्कर का टिप किधर नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका इमेज कैसे नजर आएगा इमेज में देखिए, देन व्हाट सही तो बोल रहे हैं। अच्छा नहीं हाँ एक्चुअल में जहाँ पे मैं इमेज इमेजिन कर रहा हूँ तो इसका जब इमेज लेंगे थ्री डायमेंशन में तो जो मुझे ये बॉन्ड ये जो हाइड्रोजन है वो ऊपर रहेगा वो ऑटोमेटिक ये एक्चुअल में जिस प्लेन के अबाउट जिस प्लेन में मैं मिरर रख रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में अब ये नीचे नज़र आ जाएगा बिलो हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे मिरर इमेज में नज़र आएगा और जो नीचे रहेगा वो ऊपर नज़र आएगा इमेज में। एक्चुअल में ये कहाँ देखिए ये ऑटोमेटिक मैंने क्या कर दिया ये ऑटोमेटिक था कि मेरा क्या मैं समझ रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे था ऐसे बोल्ड ही दिखाइए, आप ये चाह रहे हैं ना कि ऐसे बोल्ड दिखा दीजिए, बट कॉन्सेप्चुअली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन, ये तो बॉन्ड है ना जस्ट, एक्चुअली रियल में डॉटेड है क्या, इट इज जस्ट ए बॉन्ड राइट, ये तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था, इसका थोड़े ही इमेज ले रहे हैं भाई, ये तो जस्ट एक डॉटेड आप बोल्ट दिखाने का एक मतलब है कि ऊपर है नीचे है करेक्ट, रियल में वो बॉन्ड डॉटेड बना हुआ है क्या, डॉटेड से बना हुआ है बॉन्ड या बॉन्ड एक लाइन रहा होगा, बॉन्ड एक लाइन रहा होगा, इमेज तो इसका ले रहा है ना एटम का, तो कॉन्सेप्चुअली अगर ये यहाँ पे ऊपर में है प्लेन का तो उसका इमेज में वो नीचे में आएगा नजर आएगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डॉटेड पे इसको दिखाया, आप लोग डिस्टेंस देख रहे हैं मैं कॉन्सेप्चुअली सोच रहा हूँ करेक्ट, और यहाँ पे जो बिलो है वो एक्चुअली इमेज में ऊपर के नजर आएगा, जो यहाँ पे बिलो द प्लेन है वो इमेज में एवं द प्लेन नजर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड दिखाया यहाँ पे बोल्ड दिखाया करेक्ट, ये सोचकर तो एक्चुअली हम लोग क्या सोचे कि प्योर फिजिक्स में आ गए, इसलिए यहाँ पे डॉटेड का यहाँ पे डॉटेड नजर आ रहा था राइट, बट हम लोग को यहाँ पे दोनों पे थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा, अभी समझ में आ गया ठीक। चलिए तो इसका मतलब है क्यूमुलिंस टाइप में विदाउट कायरल सेंटर, अगर ये तो सबके लिए मैं बोल दिया नॉट ओनली फॉर क्यूमुलिंस, ये बात याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, इसको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें बहुत बार यूज करूंगा, विदाउट कायरल सेंटर अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर दो ही होगा और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा, कैसा मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर करेक्ट, और आप ही अगर हम लोग बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगा मतलब बोथ आर इंडिविजुअली एक्टिव राइट, मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं इट मींस बोथ आर इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव करेक्ट ना, ऑप्टिकली एक्टिव लिख लीजिएगा
अब लिखिए केस ऑफ बाइफिनाइल, मतलब केस ऑफ केमिलिन्स खत्म हो गया, केस ऑफ बाइफिनाइल। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल, करेक्ट। लिखिए स्टूडेंट, टू नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अकरिंग इन बाइफिनाइल रिंग, टू नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अकरिंग इन बाइफिनाइल रिंग। फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा, कोप्लेनरिटी डज नॉट प्रेजेंट बिटवीन टू फिनाइल रिंग। मैंने क्या बोला, कोप्लेनरिटी डज नॉट प्रेजेंट बिटवीन टू फिनाइल रिंग। बातों को समझिए, पहला कंडीशन में क्या है कि इन दोनों के बी ए दोनों का प्लेन सेम प्लेन नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा, जरा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। तो सर अगर यहाँ पे इसके और इसके इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसके ऑर्थो पे और इसके ऑर्थो पे अगर बल्कि ग्रुप लगा दिया जाए तो ऑटोमेटिक स्टेरिक हिंड्रेंस से कम करने के लिए इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर जाएगा, राइट। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ रहना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यू करते हैं, कोप्लेनरिटी डज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द फिनाइल रिंग बोथ फिनाइल रिंग एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बल्कि ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन किसी का ऑडियो ऑन है एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन
बल्की ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजिशन ऑफ बोथ रिंग, बल्की ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजिशन ऑन बोथ रिंग, ये पहला कंडीशन, इस पर मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लूंगा। सेकेंड कंडीशन, वी सी द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बोथ रिंग वन बाई वन, वी सी द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बोथ रिंग वन बाई वन, वी सी द प्लेन ऑफ डब्ल्यू ई बी, हम लोग देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों रिंग में वन बाई वन, करेक्ट, वी सी द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बोथ रिंग वन बाई वन, इफ एनी वन ऑफ द रिंग हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ एनी वन ऑफ द रिंग हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए स्टूडेंट, कितना कंडीशन लिखवाए फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ बाइफिनाइल, दो कंडीशन ना, नीचे नोट करके लिखिए, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, एक साथ, दोनों में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व होगा, करेक्ट, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली। बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, करेक्ट है ना। तो सर अब पहला तो समझ में आ गया, सेकेंड के लिए मैंने सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है बताइए, तो पढ़िए सर, दोनों फिनाइल रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है वन बाय वन, इतना बोलने से काम नहीं चलता। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि दोनों रिंग का प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, दोनों रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए दोनों रिंग जिस जिस कार्बन से अटैच था, तो इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच था ना, तो जिस कार्बन से अटैच था उस कार्बन से, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, उस कार्बन से सामने वाले कार्बन पे एक लाइन प्लेन ड्रॉ करना है, करेक्ट, और इसके इस तरफ और इस तरफ देखना है, अगर इस तरफ और इस तरफ का अपीयरेंस सेम हो गया मतलब इस प्लेन के अबाउट सिमेट्री हो गया इस मॉलिक्यूल में, करेक्ट, तो प्लेन ड्रॉ करने का इसमें ट्रिक बताया गया है कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे, और इसमें यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे, करेक्ट है ना एवरीवन। ये मैंने देखा है हाउ टू सी द प्लेन ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज आप क्या करते हैं ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक दिया कि यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा, इसमें यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, आयोडीन का मतलब क्या समझते हैं, छोटा ग्रुप या वेरी बल्की ग्रुप, ये वेरी बल्की ग्रुप। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होगा या नहीं होगा, सर स्टेरिक रिपल्सन होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ भी स्टेरिक रिपल्सन होगा और बिल्कुल होगा, करेक्ट। चलिए इसका मतलब इसके अबाउट उस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन होने का पीछे वजह है कि sp2 है तो sp2 से डायरेक्टली अटैच ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा, और ए भी sp2 है, इस ए भी sp2 है, लेकिन यहाँ पे अब स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए इसके अबाउट रोटेशन हो जाएगा। तो अगर इफ़ दिस पार्ट इज, इस पार्ट को, इस पूरे को, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को अगर व्हाइट बोर्ड में इमेजिन करते हैं, तो इसका प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और इसको थोड़ा ऊपर ले आएंगे, इसको थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, पुश करेंगे, राइट।
तो इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाएगा, करेक्ट। तो सर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो सर दूसरा कंडीशन में दोनों रिंग को वन बाय वन तोड़कर देखना था, राइट। और देखने का तरीका जो बताया गया था उसमें ऊपर वाला रिंग फिनाइल रिंग कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, आयोडीन के जस्ट सामने आयोडीन, करेक्ट। इस तरफ का अपीयरेंस और इस तरफ का अपीयरेंस डिफरेंट है या सेम है? तो नहीं था कि एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन सर सेकेंड कंडीशन में भी नीचे वाला रिंग सेटिस्फाई कर रहा था कंडीशन को, एग्री ना? सेकेंड कंडीशन में भी नीचे वाला रिंग सेटिस्फाई कर रहा था, नीचे वाला रिंग में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा था? जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए जो प्लेन बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया उसमें सर ये बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इस तरफ का अलग अपीयरेंस है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, इस तरफ का अलग है, ब्रोमीन है, राइट। इसका मतलब है कि इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हुआ वो किस कंडीशन की वजह से? सेकंड कंडीशन में भी ऊपर वाले रिंग के वजह से, राइट। ओवरऑल इसमें क्या ऑप्टिकल आइसोमेट्रिक होगा या नो ऑप्टिकल आइसोमेट्रिक? नो ऑप्टिकल आइसोमेट्रिक, करेक्ट ना? यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर समझ में आ गया तो हाँ बोल दीजिए, नहीं तो फिर मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। समझ में आ गया है एवरीवन? देखिए ऊपर वाले रिंग को देखिएगा, तो यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, तो नहीं तक यहाँ पे ऐसा बिल्कुल इसका इमेज यहाँ पर नजर आएगा, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, तो बिल्कुल अगर इसके इसके अबाउट अगर मॉलिक्यूल को ऊपर वाले रिंग को कट करते हैं तो इधर का पार्ट अलग रहेगा या बिल्कुल डिटो सेम पार्ट? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब तो यही था ना कि किसी प्लेन के अलावा अगर कट करते हैं तो बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में कट हो जाए, यस। तो इसका मतलब सर ऊपर वाले रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया और कंडीशन था कि दोनों रिंग में इंडिविजुअली वन बाय वन डिसिमेट्री होना पड़ेगा, किसी एक में भी अगर सिमेट्रिसिटी दिख गया मतलब ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। दोनों कंडीशन स्टेरिक रिपल्शन वाला मतलब कोप्लेनिटी का और प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी दो पार्ट ऊपर वाला रिंग और नीचे वाला, दोनों में सारे चीज़ को एक साथ सेटिस्फाई होगा तब ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलिए कैसे है बताइए तो। ब्रोमीन, ये वाला पार्ट में ब्रोमीन है, ये वाला पार्ट में टर्शियरी ब्यूटाइल है, सेम है। ये ब्रोमीन भाई, ये ब्रोमीन है, करेक्ट। ये क्या है? यस, ये शुभांकर का समस्या बड़ा जी कि नहीं, समस्या नहीं है, नेटवर्क का इशू है, इनका भी नहीं है। ऑफलाइन होते हैं सबसे पहले आप ही को कंडीशन लगा देंगे, आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, लेकिन आपका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, नहीं हाथ ही का ना। चलिए कोई बात नहीं है, अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं उसमें आपको बताना है होगा या नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन आएगा, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? ये तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर, सेकंड कंडीशन को तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, नहीं डिसिमेट्री, डिसिमेट्री करेक्ट, लेकिन पहला कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि ऑर्थो पोजिशन में नहीं है तो इसके अबाउट रोटेशन नहीं होगा। क्यों रोटेशन करेगा? रोटेशन क्यों हो रहा था?
रोटेशन हो रहा था स्टेरिक रिपल्सन कम करने के लिए, बट यहाँ पे आपने इसके रिस्पेक्ट में मेटा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा, तो स्टेरिक रिपल्सन का यहाँ पे चांस डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया है। इसका मतलब ए रिंग और इस रिंग का प्लेन सेम प्लेन हो गया है, को प्लेनेटरी। तो सर सेम प्लेन में क्यों रहेगा? सेम प्लेन में रहना चाहेगा, क्यों रहना चाहेगा बोलिए भाई? रेजोनेंस करने के लिए, वेरी गुड। अल्टीमेटली तो रेजोनेंस करना चाह रहा था ना, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तब इफ डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड, तो यहां पे ऑब्वियसली अगर प्लेन पॉसिबल है तो प्लेन में रहना चाहेगा फॉर रेजोनेंस पर्पस, ओके। बट यहां पे नो ऑप्टिकल आइसोमिज्म। क्या आप लोग रीजन लिख लेंगे किस रीजन की वजह से नहीं हुआ? रीजन डू योर सेल्फ। यहाँ पे होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे तो सर हम लोग ऐसा कंडीशन कर दिए कि अब होना ही पड़ेगा, नहीं इसके अबाउट रोटेशन भी होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में नहीं है, जैसे हम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए सिखाया गया है, करेक्ट। दैट्स वाई ए ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा विदाउट काइरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकल आइसोमर कितना रहेगा? दो। और दोनों एक जगह क्या रहेगा? बोथ आर यस इनंसियोमर्स। तो क्या एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब हेडिंग बनाइए, केस ऑफ काइरल सेंटर अदर देन case of chiral center other than carbon, case of chiral center other than carbon, क्या इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp3 बोल सकते हैं? देखिए तो, और काइरल सेंटर का डिफिनेशन क्या था? कोई किसी भी एटम से फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन मोटा मोटी उसका sp3। क्या इस सल्फर से चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है? सर अटैच है CH3, C2H5, O16 और O18, राइट। दोनों को अलग अलग ग्रुप मानेंगे, आइसोटोप को भी अलग ग्रुप मानेंगे, राइट, जस्ट लाइक एच एंड डी। इसका मतलब दिस सल्फर इज काइरल सल्फर, करेक्ट। देन हाउ मेनी काइरल सल्फर? वन। तो इसमें अगर आपसे ऑप्टिकल आइसोमर पूछेंगे तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? दो। और दोनों एक क्या क्या रहेगा? नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज ऑफ इच अदर, मतलब दोनों बोथ आर इनंसियोमर ऑफ इच अदर, इज इट राइट? अरे यही एग्जाम्पल आ गया एग्जाम में, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? काइरल सल्फर इज वन ना, तो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू टू एंड बोथ आर इनंसियोमर ऑफ इच अदर, ठीक है।
देखते इस मॉलिक्यूल में क्या कायरल सेंटर है कहीं पे? अब मैं कायरल कार्बन नहीं पूछ रहा हूँ, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब ये नहीं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज कार्बन ही कायरल रहेगा। इट कायरल कार्बन सर, इट इज कायरल से एनी कायरल सेंटर है। नाइट्रोजन और लोन पर ऑल्सो बिहेव लाइक ए ग्रुप। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसो में देख रहे थे, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमिजम में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमिजम में लोन पेयर को भी एक ग्रुप के जैसा ट्रीट कर रहे थे, राइट? तो आई विल सजेस्ट यू कॉन्फिग्रेशनल में, कॉन्फिग्रेशनल मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों में लोन पेयर अगर किसी के पास है तो उसको भी एक ग्रुप के जैसा ट्रीट करना है, ठीक है ना? दैट्स वाई दिस नाइट्रोजन इज अ कायरल नाइट्रोजन, करेक्ट? अब जो आपको समझाने जा रहे हैं वो 1990 से लेकर 2000 के बीच में IIT का पेपर में आया हुआ बात है, उसी को मैं थ्योरी का थीम बनाकर समझा रहा हूँ, ठीक है? देखिए, तो मैंने रिप्रेजेंटेशन सही से किया, क्या प्रॉब्लम है भाई? सही तो है। ठीक है ना एवरीवन? यस, ज्योमेट्री बोलिए सर। ज्योमेट्री तो फिक्स ही है, टेट्राहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप? यस, ट्राइगोनल पिरामिडल, करेक्ट? तो मान लेते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरीवन, आप लोग तो पिरामिड थोड़ा तो समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, देख रहे हैं, इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए। अच्छा नीलांजन, गौरव भूषण ज्वाइन किए हुए हैं, बर्निल ज्वाइन किए हुए हैं, क्लास करते रहना है भाई। रिनेशा बर्मन, बंदिता, यस बंदित, एकदम एक्टिव भी रहना है, ज्वाइन भी करना है और एक्टिव भी रहना है, रिप्लाई भी बीच में करना है। बंदिता सिंह, जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ, हिताक्षी, पिनाक्षी, क्या प्रियांक्षी नाम था या प्रियांक्षी? हाँ प्रियांक्षी, अरे नाम भी भूल गया मैं। जल्दी से ऑफलाइन होगा तो सबको फिर से नाम मुझे रिकॉल हो जाएगा। तो सब लोग टेस्ट में पेपर इजी नहीं रहेगा, मतलब ये तो देखिए पहला टेस्ट में तो फिजिक्स बहुत आसान ही रहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन तो जस्ट सीक्वेंस स्टार्ट करना था इसलिए दे दिया, ठीक है? और होपफुली आप लोग वर्नियर कैलिपर वगैरह पढ़ लिए होंगे, पढ़े हैं या छोड़ दिए हैं? एक क्वेश्चन पक्का आएगा जेई मेन में। और फंक्शन है ना, यस। और केमिस्ट्री में क्या था, मोल कॉन्सेप्ट, यस। तो प्रॉपर स्कोर करना है और ऑनेस्ट, गूगल बाबा का हेल्प नहीं लेना है, ठीक है ना? हाँ, उसी में है सब कुछ, आप पढ़ उसको देख, PDF को ओपन करके देखिए ना, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है। हाँ तो उतना काफ़ी है उस, अब देखिए उसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, अब उसमें उसमें बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, वो और चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए, दैट्स इट। ओके,
वही आएगा, बट होता क्या है कि उसको भी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ में 3D कोई अगर बच्चा पढ़ ले क्वेश्चन बना के आ जाएगा, बट पढ़ना ही नहीं जाता है, पूरा टाइम कैलकुलस और क्वाड्रेंट पे चला जाता है। तो जो लाइट टॉपिक है उसको कम से कम एक बार देखना होता है टाइम निकाल कर। जैसे अगर मुझे सर आपने कैसे 3D पढ़ा था, मैं मैथ का टीचर नहीं लेकिन मैं अपना कुछ तो एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैंने 3D में एक बुक उठाया था, यहाँ पे अभी भी मिल जाएगा आपको, बट अनफॉर्चुनेटली लक अच्छा था कि बहुत अच्छा मिल गया था। अब बिल्कुल हम लोग के टाइम पे नया नया 3D ऐड हुआ था, मतलब हम लोग के टाइम से पहले 3D था ही नहीं IIT के सिलेबस में, नॉट इवन 12th में, फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो मुझे एक लालजी प्रसाद का बुक मिल गया था, बहुत पतली सा, अभी भी याद है उसका कवर येलो कलर कवर था, पता नहीं खो भी गया कहाँ है। तो उसको मैं थ्रू आउट एकदम थ्योरी खुद से पढ़ा और एग्जाम्पल जितना बनाया हुआ था सारा एग्जाम्पल देख देख बना गया, क्वेश्चन लग गया। तो वो होता है कि मतलब जो बिल्कुल नया है उसको कम से कम एक बार बाय हार्ट देखना होता है। एनीवे तो जिनका भी नाम लिया हो तो उस टेस्ट को सीरियसली लेना है, मतलब सबका नाम ले रहा हूँ लेकिन इतने लोग का मुझे नाम याद था, बाकी लोग का भी नाम माइंड में आ नहीं रहा है। तो ये है पिरामिड, इसी को अगर उल्टा कर दे तो क्या बोलेगा उस पहले वाला के रेस्पेक्ट में, इन्वर्टेड पिरामिड, मतलब इन्वर्सन ऑफ पिरामिडल बोल सकते हैं। ऐसे है सीधा पिरामिड राइट, इसको उल्टा कर दिए तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन्वर्सन ऑफ पिरामिड करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं ये पिरामिडल इन्वर्सन, क्या बोलते हैं, पिरामिडल इन्वर्सन, इज इट राइट। चलिए और इसी को एक और नाम दिया गया है, अभी ये डायग्राम देख लीजिए ना, अब यहाँ देखिए ये किसका डायग्राम बन गया, अम्ब्रेला। यस, ऐसा भी तो अम्ब्रेला कभी देखते होंगे आंधी तूफान में राइट। तो यहां से क्या सीधा अम्ब्रेला है उल्टा अम्ब्रेला, यस। तो इस वजह से इसको अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं, जो प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूं ठीक है। कौन सा इफेक्ट, अम्ब्रेला इफेक्ट। जनरली हो जाता है भाई आंधी तूफान में कि ऐसे आया ये बिल्कुल उल्टा चला गया राइट। तो फिर हम लोग वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग उसको हवा के डायरेक्शन को ऐसे देते हैं तो फिर सीधा हो जाता है ऑटोमेटिक। चलिए अब इसका मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, ये मेरे पास इसका एक वीडियो है बहुत बढ़िया, और नहीं तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा अम्ब्रेला इफेक्ट या पिरामिडल इन्वर्सन फॉर 3 डिग्री एमाइन, पिरामिडल इन्वर्सन फॉर एमाइंस हैविंग काइरल नाइट्रोजन, इतना टर्म टाइप कीजिएगा ऑटोमेटिक बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, और तब उस 3D में देखेगा तो और ज़्यादा विजुअलाइज होगा। तो एक्चुअल में ये है मेरा काइरल नाइट्रोजन, और वन काइरल नाइट्रोजन है तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर तो दो रहेगा राइट, ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू व्हाट, टू, और दोनों क्या रहेगा आपस में, बोथ आर इनंसियोमर करेक्ट ना, बोथ आर व्हाट, इनंसियोमर्स ऑफ ईच अदर। अब स्टूडेंट अगर मान लेते हैं कि अगर इसको पुल करते हैं या स्मॉलर लोब को अगर नीचे करते हैं तो नहीं लगता कि ये तीनों ऊपर उठेगा, इफ अ स्मॉलर लोब ऑफ लोन पेयर, इफ अ स्मॉलर लोब ऑफ ऑर्बिटल ऑफ लोन पेयर बिकम्स बिगर एंड बिगर, तो ये तीनों ये जो ऐसे बना हुआ है ये तीनों ऊपर जाएगा। अरे एक और स्टार्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, sp3 से राइट, और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे दोनों लोब का साइज इक्वल हो जाएगा ठीक है। HDCH3 और जहाँ पे दोनों इस लोब और इस लोब का साइज इक्वल हो जाएगा तो ये तीनों ग्रुप सेम प्लेन में रहेगा, समझे एवरीवन। और इसको अब नीचे वाला को बड़ा कर दीजिए, देन लुक्स लाइक व्हाट, खुद से होते रहता है इसमें,
और बहुत रैपिड होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस को क्या बोलिएगा, पिरामिडल इन्वर्सन, क्या बोल सकते हैं, गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड भाया सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट, पिरामिडल इन्वर्सन। तो सर यहाँ से फिर यहाँ भी तो वापस आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ से यहाँ भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं लैंग्वेज दूंगा, पहले समझिए बातों को। तो यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ, लेकिन पिरामिडल इन्वर्सन जो हो रहा है इन केस ऑफ एमाइंस हैविंग कायरल नाइट्रोजन, पिरामिडल इवेंट ऑफ पिरामिडल इन्वर्सन इन केस ऑफ एमाइंस हैविंग कायरल नाइट्रोजन अकरिंग थ्रू, ये ऑब्जेक्टिव हो गया किस कैसे, इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 से sp2 और sp2 से sp3, राइट, जहाँ पे लोब इक्वल हो जाएगा तो दिस बिकम्स प्योर p और फिर यहाँ से sp3। और ये एक्चुअल में देखा गया, तो सर ये कैसे आप डैम श्योर हैं कि इसमें ये प्रोसेस प्रक्रिया वेरी फास्ट होगा ही होगा। तो एक्चुअल में जो ऑब्जर्व किया गया है कि मान लेते हैं कि आपने इसको बनाया, अब बिल्कुल ऑप्टिकली प्योर बनाए, ऑप्टिकली प्योर बनाने का मतलब, ऑप्टिकली प्योर बनाने का मतलब, ऑप्टिकली प्योर बनाने का मतलब होता है कि दोनों इनंसियोमर में से कोई वन ऑफ द इनंसियोमर, ओके, आउट ऑफ बोथ इनंसियोमर वन ऑफ द इनंसियोमर मैंने यहां पर बनाया था, करेक्ट ना स्टूडेंट, और उसका 100 मॉलिक्यूल्स बनाया था, बट आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व, इसका मतलब ऑप्टिकली प्योर का मतलब बस सर डेक्स्ट्रो वाला मैंने बनाया, मान लेते सपोज मैंने डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला ही बनाया था सिर्फ, और 100 मॉलिक्यूल्स बनाया था इसका। आफ्टर सम टाइम देखे कि पूरा मिक्स जो बनाया था, जो अभी जस्ट कंपनी जो लैब में बना था, आफ्टर सम टाइम देखे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव 100% जो सोल्यूशन था 100 मॉलिक्यूल्स वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाउ इट इज पॉसिबल कि बनाए थे ऑप्टिकली एक्टिव बन गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और कायरल नाइट्रोजन होते हुए भी, वन कायरल सेंटर होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया जबकि बनाया था मैंने ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो बाहर से उसका पेयर ला के डाला नहीं, राइट, मैंने बोला कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला है और बाहर से लेबो डाले नहीं और बन गया इनएक्टिव, ये तभी पॉसिबल था जब इसका पार्टनर लेबो रोटेटरी आया होगा, तो ये आता नहीं है, ये खुद कन्वर्ट कर लेता है, राइट। अगर इस कॉन्फिग्रेशन के लिए पिरामिड अगर नीचे है उसके लिए अगर ये आ रहा होगा तो ये तो डैम श्योर एस रहा होगा, तो खुद से हो जाता है इसमें और वेरी फास्ट होता है, करेक्ट एवरीवन, समझा कैसे होता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन केस ऑफ एमाइंस हैविंग कायरल नाइट्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ रेसमिक मिक्सचर, कायरल नाइट्रोजन जिसमें ओनली वन कायरल नाइट एमाइंस हैविंग वन कायरल नाइट्रोजन ऑलवेज रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब मिक्सचर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहता है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन ब्रीफली, ये सब्जेक्टिव एग्जाम जब था IIT का तब पूछा गया था। तो उसका आंसर ये था कि इन केस ऑफ एमाइंस हैविंग कायरल नाइट्रोजन इन ओपन चेन ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्सन प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला इफेक्ट, इस वजह से अगर हम लोग वन ऑफ द ऑप्टिकली प्योर इनंसियोमर भी रहेगा तो आफ्टर सम टाइम वहाँ पे वो आपस में इनंसियोमर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनंसियोमर एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेगा। तो 100 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास डेक्स्ट्रो का रहा होगा तो आफ्टर सम टाइम ये 50-50 हो जाएगा, 50 डेक्स्ट्रो का और 50 ऑटोमेटिक लेबो का बन जाता है। आई ड्यू टू विच प्रोसेस, ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, अम्ब्रेला इफेक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज पिरामिडल इन्वर्सन इफेक्ट। और ये किसके थ्रू होता है, sp3 से sp2 और sp2 से sp3, अरे कोई करता है या बाई इट्सेल्फ प्रोसेस है, खुद के अंदर में हो जाता है, ठीक है, सबको समझ में आ गया एवरीवन। अब ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख लें, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हैं, वही आपका थ्योरी हो जाएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। मतलब सोचिए तो आज से 30 ईयर्स पहले या मिनिमम 25 ईयर्स, बहुत बड़ा एक जनरेशन है, आप लोग इस दुनिया में आए भी नहीं होंगे, उस टाइम पे इतना डेप्थ में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट।
देखिए स्टूडेंट, इनेंसियोमर का बॉइलिंग पॉइंट, इनेंसियोमेरिक पेयर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हुए भी नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ाने वाला हूँ, इनेंसियोमर को भी सेपरेट कर सकते हैं। इनेंसियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हुए भी हम लोग इनेंसियोमर को भी सेपरेट कर सकते हैं, बट खास एमाइन के लिए, एमाइन इन ओपन चेन हैविंग काइरल नाइट्रोजन और हैविंग ऑप्टिक आइसोमर इक्वल टू व्हाट, टू, एंड ऑलवेज एग्जिस्ट एज रेसमिक मिक्सचर, एंड इनेंसियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी मेथड, एक्सप्लेन। मतलब इनेंसियोमर को सेपरेट किया जाता है बट यहाँ पे एमाइंस के केस में नहीं करेंगे, खासकर जब ओपन चेन में एमाइंस रहेगा और ड्यू टू काइरल नाइट्रोजन अगर उसमें इनेंसियोमर रहेगा, रेसमिक मिक्सचर रहेगा। मतलब इनेंसियोमर कैन बी सेपरेटेड बाई ए स्पेशल मेथड, कुछ स्पेशल टेक्निक जिसमें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बट वहाँ भी एमाइन फेल कर जाएगा, वहाँ भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो रीजन लिखिएगा, इन केस ऑफ ओपन चेन एमाइन, इन केस ऑफ ओपन चेन एमाइन, आंसर में लिखे तो इन केस ऑफ ओपन चेन एमाइन विथ काइरल नाइट्रोजन, इट एग्जिस्ट ऑलवेज एज ए रेसमिक मिक्सचर, इट एग्जिस्ट ऑलवेज एज ए रेसमिक मिक्सचर, इवन इफ वी आर स्टार्टिंग विथ ऑप्टिकली प्योर एमाइन, इवन इफ वी आर स्टार्टिंग विथ ऑप्टिकली प्योर नाइट्रोजन। दिस इज बिकॉज ड्यू टू रैपिड पिरामिडल इन्वर्सन, दिस इज बिकॉज ड्यू टू रैपिड पिरामिडल इन्वर्सन एज शोन इन फिगर, दिस इज बिकॉज ड्यू टू रैपिड पिरामिडल इन्वर्सन एज शोन इन फिगर, विच इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्सन और अम्ब्रेला इफेक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्सन और अम्ब्रेला इफेक्ट। And this pyramidal inversion occurs through sp3 to sp2 and sp2 to sp3 and vice versa। मतलब ए पिरामिडल इन्वर्सन किस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होता है, तो sp3 से sp2 होता है, राइट, ये आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, एंड sp2 से sp3, अगेन वापस यहां से sp3 से sp2 एंड sp2 से sp3, ऐसे होते रहता है, यही मेन है, इसके थ्रू होता है, राइट, ये बीच का पोजीशन है। तो सबको समझ में आ गया ये बात, मतलब हम लोग रेसमिक मिक्सचर में इनेंसियोमेरिक पेयर में इनेंसियोमर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय स्पेशल टेक्निक, बट इस केस में वो भी सारा टेक्निक फेल कर जाएगा, जो भी स्पेशल मेथड रहेगा इसके लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा। मतलब एमाइंस विथ काइरल नाइट्रोजन ओपन चेन ऑलवेज एग्जिस्ट एज रेसमिक मिक्सचर, करेक्ट। और इसका वीडियो आप लोग गूगल पर सर्च कर पाएंगे या मैं भेज दूँ, ऐसे लिखिएगा ना, वीडियो ऑफ पिरामिडल इन्वर्सन इन केस ऑफ ओपन चेन एमाइन विथ काइरल नाइट्रोजन, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, बट एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से ज़्यादा विजुलाइज हो जाएगा। नहीं, नहीं रुकेगा, ये ऑलवेज होते रहेगा। इसका मतलब है कि एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, राइट, तभी तो प्रोसेस ऑलवेज होता रहेगा। ये बहुत नहीं लगता कि एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत माइक्रो लेवल पे बात हो रहा है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं,
देखते हैं कायरल नाइट्रोजन, कायरल नाइट्रोजन है या नहीं है, है राइट। बट ये ओपन चेन अमाइन है या साइक्लिक अमाइन है, साइक्लिक अमाइन है। यहाँ पे ये ऑलवेज रेसमिक मिक्सचर जैसा, रेसमिक मिक्सचर के जैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर के जैसा ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप ऑप्टिकली प्योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनाए हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहेगा। वजह, यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्सन होने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो गया, नहीं बांध दीजिए ना चीज़ों को, ये अगर ऊपर नीचे करेगा तो रिंग ही ब्रेक कर जाएगा, करेक्ट। दिस इज द वजह कि मैं वहाँ पे ओपन चेन एमाइन बोलते रहा हूँ, करेक्ट ना। इसका मतलब एमाइन, एमाइन इनके साइक्लिक एमाइन विथ कायरल नाइट्रोजन, साइक्लिक एमाइन विथ कायरल नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ द साइकिल, तो वहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे नो पिरामिडल इन्वर्सन, करेक्ट ना, यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्सन सिर्फ बोल दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्सन नहीं होने का वजह, सर वहाँ पे ये जो तीन, इसके पास इसके साथ जो तीन बॉन्ड था ओपन चेन में, ये तीन बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड एक दूसरे से अटैच नहीं था, फ्री था मूव करने के लिए। बट यहाँ पे ये दो बॉन्ड तो अटैच है यहाँ पे, तो ये फ्री नहीं है, एक दूसरे से इसका मोशन रिलेटेड है, तो यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्सन नहीं हो पाएगा, करेक्ट है एवरीवन। इसका मतलब है कि इसके रेसमिक मिक्सचर को, इसके इनेंसियोमेरिक पेयर के मिक्सचर, इनेंसियोमर्स का जो मिक्सचर बना हुआ है डी और एल वाला, उसको हम लोग स्पेशल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद बहुत आराम से पढ़ाएंगे तो कॉन्फॉर्मेशनल दो क्लास या टू एंड हाफ क्लास, तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला का पार्ट कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। मतलब इस वीक के अंदर आइसोमेरिज्म मोटा मोटी, नेक्स्ट वीक आते आते वाइंड अप। आइसोमेरिज्म के बाद इस क्लास में मैं एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ।